क्या ये आवाज आपने सुनी? ये जो आवाज कोई फिल्मी या कोई बनाई गई कोई कहानी गढ़ी ये आवाज नहीं है। ये एक घटी हुई सच्ची घटना है, जो दिल दहलाने वाली घटना है। आइए आज हम बात करते हैं हमारे भारत के एक राज्य मध्य प्रदेश का, एक जिला और एक शहर मध्य प्रदेश की, जो बड़े ही दर्दनाक घटना घटी है। जब मैंने मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में पढ़ा रहा था, तो कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर, इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन आज तक समझ नहीं पाए कैसा घटना, क्या घटा है, क्या हुई जो आज इतना ये मशहूर है। तो आइए बात करते हैं MIC। MIC का मतलब होता है मिथाइल MIC, मिथाइल आइसो साइनेट। आज हम बात करेंगे मिथाइल आइसो साइनेट, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है MIC। चलते हैं हम लोग साल 1969 का, भारत के मध्य प्रदेश राज्य भोपाल में एक अमेरिकन कंपनी यूनियन कार्बाइड ने एक अपनी कंपनी खोली, जिसमें उसने कीड़े मकोड़े मारने वाली कंपनी खोली, जिसका जो उसमें उत्पादन करते थे कीड़े मकोड़े मारने के लिए, सेविन नाम करके प्रोडक्ट का वो निर्माण करते थे। तो जाहिर सी बात है कि कीड़े मकोड़े मारने के लिए एक जिस प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे थे, इसमें जो है कि जहरीली और खतरनाक से खतरनाक केमिकल की जरूरत तो पड़ती ही होगी। तो उस जगह पे एक बहुत सारे केमिकल के जगह में एक MIC की भी जरूरत पड़ती थी, और उनके साथ और भी कई केमिकल मिला करके इसका इस्तेमाल किया, इस प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता था। तो ये सिलसिला चलते रहा, और MIC जो होता था, और अमेरिका से लाया जाता था। भारत सरकार ने MIC का इस्तेमाल करने का लाइसेंस तो दिए थे, भारत सरकार ने MIC का इस्तेमाल करने का लाइसेंस तो दिए थे MIC का, लेकिन उसका उत्पादन करने का लाइसेंस नहीं दिए थे। तो ठीक है, चलता गया, वहां से लाने में उसको खर्च वगैरह बढ़ती थी, क्योंकि उसका उत्पादन MIC का उत्पादन तो अमेरिका में होता था, तो वहां से लाने में खर्च बनती थी। ये साल चलता गया, लेकिन एक समय आया जो और भी कंपनियां खुली, जिससे कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड को लॉस में जाने लगा। कंपनी का नाम यूनियन कार्बाइड है, हम लिख दे रहे हैं यूनियन कार्बाइड है ना, इस कंपनी का नाम है। तो ठीक, ये चलते गया, कुछ दिन बाद और भी कंपनियां खुली, जिससे क्या हुआ, लॉस में जाने लगे। तो इससे क्या हुआ, उसने भारत सरकार से अर्जी लगाई और कहने लगा कि मैं जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो अमेरिका से लाता हूं, आप उसका परमिशन दीजिए, ताकि हम यहां पर क्या करें, उसका निर्माण करें। भारत सरकार ने उसकी अनुमति दे दी, और अनुमति देने के बाद, वो अनुमति दी, यहाँ पर काम चलना चालू हुआ। बात था कि और भी कंपनियां आई थी, उन लोगों ने थोड़ा सा सस्ती चीजों में सामान बिकने लगे, इसके वजह से इसका सेविन जो प्रोडक्ट था, जो कीड़ों मकोड़े मारने वाली प्रोडक्ट, इसका जो है मांग कम हो गया। मांग जब कम हो गया, तो इनका जो है कि ये घाटे में चलने लगे, कौन, यूनियन कार्बाइड कंपनी। इसके वजह से उसने क्या किए, जो अनुभवी कामगार थे, जो काम कर रहे थे वर्कर, उन लोगों को तो तनख्वाह ज्यादा देना पड़ता था। इसके वजह से उसने क्या किया, उन लोगों को हटा करके जिसके पास कम एक्सपीरियंस थे, उन लोगों को भी सेलेक्ट करना चालू कर दिया गया। और इसके वजह से जो है ना, कि जाहिर सी बात है कि जिसकी जिसकी कम जानकारी रहेगी, तो उसमें तो दिक्कतें हो गई। इसी में आता है कुछ 80 के बाद, कुछ साल जिसमें
उसी में से वर्कर एक किसी का जो है इस गैस से लीक होने से क्या होता है, मौत हो जाता है। एक चीज आप और जान ले कि मिथाइल आइसोसाइनेट MIC का अगर MIC का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो खतरनाक जहरीले गैस का निर्माण होता है। तो इसी जहरीले गैस से एक वर्कर का मौत हो गई, जो जिसने जानकारी दी किनको, वहां के एक पत्रकार को जिसका नाम है राजकुमार कैसवनी है ना। तो उनको जानकारी दी तो उसने पता किया, जब उसके बाद जांच पड़ताल करना चालू किया तो पता चला कि यहाँ बहुत सारा काम जो है एक से जितने खतरनाक कारखाने में लापरवाही से काम हो रही है। इसके लिए उसने राज्य सरकार को, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को ये अर्जी दी कि इसके ध्यान दिया जाए, लेकिन किसी ने इसकी ना सुनी, काम चलता गया। यहाँ तक कि काम बहुत सारे और भी घटनाएं घटी, वहां पर वर्कर मारे गए, बहुत सारे लोगों को इसका और भी परेशानी झेलना पड़ा, लेकिन कुछ नहीं। आइए बात करते हैं 2 दिसंबर 1984 की। वो रात दो दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की रात कहा जाता है, क्योंकि 12 बजे रात से पहले 2 सितंबर था और 12 बजे के बाद वो 3 दिसंबर हो जाता है। तो घटना ये 2 से 3 दिसंबर की ही बात है, 2-3 दिसंबर 1984 की हम बात इनकी कर रहे हैं। वो काली रात जो किसी के यहां ना आए। होता क्या है कि 2 दिसंबर है, जाहिर सी बात है भोपाल एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में ठंड तो होती ही है और दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में तो ठंड लगती, सबको रजाई कंबल ओढ़ करके रात में सोए हुए थे। शनिवार की रात थी, नेक्स्ट डे संडे था, तो और लोग थोड़ा सा गहरी नींद के चलो आराम से, सबको गहरी नींद ले रही थी। वहां के कारखाने में 9 बजे पाली चेंज होने की बात थी, पाली चेंज होता आता है वर्कर वहां पर चेक करता है तो पता चलता है कि जो वर्कर थे उनके आंख जलने लगते हैं। तो वो जाकर वहां देखते हैं तो कुछ जो रिसाव हो रहा है, यानी कि पानी टपक रहा है, यानी कुछ हो रहा है। इसकी वजह से वो वहां के जो सुपरवाइजर थे उनको जानकारी दी, उन लोगों ने उसको इग्नोर करता गया, ध्यान नहीं दिया। बात होती क्या है कि और देर बीतता जाता है, करीब 11 बजते जाता है, 11:30 रात होती जाती है, और ज्यादा बेकाबू हो रहा है वो, क्योंकि जहरीली गैस वो पानी के साथ पूरे मात्रा में क्या हो जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट उसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। और जब वहां का सारा सिस्टम को चेक किया जाता है तो देखते देखते पता चलता है कि पूरा वो उसके यानी कि उसके ही से बाहर है, क्योंकि उतने तो अनुभवी लोग थे नहीं जो उसको पकड़ पाता कि क्या प्रॉब्लम है नहीं, और उसके अंडर से वो बाहर हो चुका था। उसमें 3 टैंक थे, एक टैंक में लीकेज हुआ था, और देखते ही देखते 12:30 बजते ही वहां से वो जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट जल के साथ अभिक्रिया करके भयानक रूप ले लेता है और वो जहरीली गैस अचानक से निकलना चालू करता है और देखते ही देखते उस एरिया में पूरे फैल जाता है। रात में बहुत गहरी नींद में सोए हुए लोग को जब आंखें जलन सी होती है तो सोचता है क्या बात है, आंखें क्यों जल रही है। तो वो बहुत सारे लोगों ने खिड़की खोला तो खिड़की खोलना उसके लिए और ही बड़ी बड़ी मुसीबत बन जाती है, और ज्यादा गैसें उनके घरों में घुसती है, उनको और ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं उस जहरीली गैस को। उस नादान को क्या पता कि हम जहरीली गैस खिड़की खोल रहे हैं तो उससे जहरीली गैस आ रही है। जो उनको ले रहे थे देखते देखते खांसने लगते हैं बहुत जोरों से, आंखें जलने लगती है, भागता है, परेशान लोग भागते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, तो वो सारे लोग हॉस्पिटल की ओर भागते हैं। जो जितनी रफ्तार से भागते हैं हॉस्पिटल की ओर वो उतनी ही रफ्तार से उस जहरीली गैस को अपने अंदर ले रहे थे। बहुत सारे लोग तो भागते रास्ते में ही मर पड़े, गिर पड़े, वहीं पर मर गए हैं। कोई किसी तरह से हॉस्पिटल भी पहुंचे तो वहां पर भी लोग जाते जाते दम तोड़ दिए। और जब वहां के नजदीकी हॉस्पिटल कोई ज्यादा नहीं थे, 1-2 हॉस्पिटल थे जिसमें से हमीदिया हॉस्पिटल फेमस थे, वहां का और भी हॉस्पिटल थे, तो उसे
जब वहां गया तो अचानक देखते देखते पूरा शहर के लोग भागने लगे वहां पर। तो पता किया कि क्या हुआ, तो सब अपने समस्या सुनाए। फिर फोन आता है यूनियन कार्बाइड कंपनी की ओर से कि जो है गैस जो है लीकेज हुआ है वो हुआ है अमोनिया की। फिर वो जो है कि डॉक्टर उनके ऑक्सीजन वगैरह देते हैं। फिर पता कुछ देर बाद जब वहाँ इलाज फिर भी कोई काम नहीं, कुछ देर बाद पता चलता है कि अमोनिया नहीं मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीकेज हुआ है। वहां के डॉक्टरों को पहली बार पता ही नहीं कि उसका इलाज कैसे होता है मिथाइल आइसोसाइनेट की इस जहरीली गैस का। इस तरह से किसी तरह वो इलाज कर रहे हैं, पूरा भयावह हो जाता है उस एरिया में। लोग जैसे भागे वैसे जहां तहां पड़े हुए हैं। कुछ देर बाद 3 दिसंबर की रात सुबह होती है, सूरज निकलती है, जहां देखो रोड पे तो इंसान जहां तहां लाश पड़े हुए है। इंसान तो इंसान, जानवर भी जिधर तिधर की पड़ी हुई है, क्योंकि सांस तो जानवर भी तो लेते हैं वो लोग। रोड पे उनको जो है उठाने वाले लोग नहीं, भागे जा रहे हैं स्टेशन की ओर भागते हैं। वहां पे लोग, वहां रेलों पे ट्रकों पे लोग, रेल ट्रैक पे लोग पड़े हुए हैं, यानी कि जिधर देखो भयावह बना हुआ है। लाशों को ट्रकों में उठा उठा करके ले जाया करते थे, वहां के जानवरों को ट्रक में उठा करके फेंका जाते थे। ऐसा स्थिति भयावह बना हुआ था वहां पर। वहां का अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां कम पड़ रही थी, एक एक के जगह में 3-4 लाशें लगा करके अंतिम संस्कार किया जाता था। एक कब्र में, उसी तरह से कब्रिस्तानों में भी एक गड्ढा, बड़े बड़े गड्ढे किए जाते थे। एक एक बार में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाला जाता था। शायद ही कोई ऐसा होगा उस दिन का व्यक्ति जो किसी को एक सही रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार हुआ। जैसे तैसे लोगों को दफनाया जाता था, उसका अंतिम संस्कार जलाया जाता था। वो तो रह गई बात कि उस रात एक ऐसी रात थी कि अगर सांस लेते तो भी मर जाते और सांस ना लेते तो भी मर जाते, ये ऐसी बात। लेकिन खुशकिस्मत उन्हीं को माने जो कि उस रात या उस समय मर गए, क्योंकि आज भी जो लोग वहां जिंदा हैं वो आज भी अपाहिज या किसी न किसी बीमारी से चले हुए। आज भी लोग वहां पर अपाहिज, तो किसी का पैर, तो कभी गूंगे तो पैर से, उन्हें अपाहिज वहां से बनते। लगभग 40 साल होने को जा रहे हैं फिर भी आज ऐसी स्थिति है। लेकिन बात आती है कि आखिर की ऐसा हुआ कैसे, किसके वजह से। तो कंपनी जो कि उसके मालिक थे वो यहां पर थे, वो अमेरिके में थे। जब ये सब घटना सुनी वो वहां से यहां पर आए और आए और देखिए हमारे सिस्टम की, आने के बाद उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उसको कोनो जेल में नहीं, बस फार्म हाउस में रखा जाता है। वहां से फिर कुछ ही देर में उसको छोड़ करके गाड़ी में लेके जाता है सिक्योरिटी के साथ और फिर दिल्ली ले जाया जाता है और दिल्ली से फिर उनको वापस भेज दिया जाता है। आज उस यूनियन कार्बाइड की कंपनी लगभग 2014 में वो इंतकाल कर गए, डेट कर गए। आज भी उनका केस चल रहा है, लेकिन वहां के लोगों को आज भी कोई इंसाफ नहीं मिला है। बस इसका तो और भी बहुत बड़ी कहानी है, मैं फिलहाल इसको इतना ही रखना चाहता हूँ। धन्यवाद।